रायबरेली में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जन्म दिवस पर शुरू किए गए स्वच्छता पखवाड़ा का आज महिला महाविद्यालय में समापन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज ने छात्राओं को स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमाशंकर कहार ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लोगों से साफ सफाई को लेकर जागरूक करना है। 7 दिनों तक चले इस अभियान में अलग अलग विद्यालय जाकर छात्रों को स्वच्छता का संदेश देकर साफ सफाई के फायदे बताए गए हैं। बीमारियों के लिए हम तैयार हैं, तो स्वच्छता हम सभी को उसके लिए जागरूक होना चाहिए। संस्थान में, घर में, सभी जगह स्वच्छता के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। उसी की कड़ी में जिला सेवा विकास प्राधिकरण के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय की पूरी टीम और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही है। आज इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में स्वच्छता जागरूकता सप्ताह जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक प्रारंभ हुआ, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा, जिसमें आज हमारे जनपद रायबरेली के माननीय जिला जज अपर जिला जज श्री रामचंद्र कुमार जी बच्चों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी प्रतियोगिताएँ हुई थी, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, और इस कार्यक्रम में जो बच्चे प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए थे उनको पुरस्कृत किया जाना है, एवं इसी स्वच्छता जागरूकता के अंतर्गत माननीय जी अपर जिला जज के जी के सम्मान में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश श्री तरुण सक्सेना जी के दिशा निर्देशन में दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित स्वच्छता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आज का एक जागरूकता कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आयोजित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के अनुरूप हम लोगों को किस प्रकार अपनी, अपने परिवार की, अपने घर की, समाज की, मोहल्ले की, शहर की, राज्य की, देश की स्वच्छता किस प्रकार रखनी है, इस उद्देश्य से स्वच्छता जागरूकता अभियान हमारा चलाया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।